नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24 और मैं हूं श्रुति शर्मा। दिव्यांग सपा नेता पंडित समरजीत ने सरकार पर लगाया आरोप। प्राप्त जानकारी के आधार पर सपा दिव्यांग नेता पंडित समरजीत ने प्रदेश के मौजूदा सरकार पर मजदूरों की दयनीय स्थिति पर उत्तर प्रदेश सरकार की नीतियों पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि बेरोजगारी चरम सीमा पर है, मजदूरों को नहीं मिल रही मजदूरी, मजदूरों का परिवार भुखमरी की कगार पर है। आज बेरोजगारी चरम सीमा पर है। जो मजदूर दिहाड़ी करके परिवार का भरण पोषण कर रहा था, आज उसी रोजगार पर ग्रहण लग गया है। अब मजदूरों को परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। सरकार मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने में पूरी तरह विफल साबित हो रही है। प्रदेश का विश्वास अब केवल मुंह जबानी या कागजों पर ही रह गया है, जमीन पर नहीं। मध्यांचल ब्यूरो राम प्रसाद शुक्ला की रिपोर्ट। आलमबाग का नहर का स्थान है जहां प्रतिदिन 10,000 लेबर बेचारे आते हैं रोजगार के लिए। आज उनको भाजपा सरकार में रोजगार नहीं मिल रहा है। ये देखिए हमारे भाई, लगभग 12 बज रही है, इनको अभी तक कोई रोजगार और काम नहीं मिला है। और ये भाई हमारे कम से कम 200 किलोमीटर से साइकिल चला चला के मेहनत करके मजदूरी के लिए आते हैं और इनको आज काम नहीं मिल रहा है। इधर आया, आज बेरोजगारी बढ़ गई है। इन भाइयों को अगर रोजगार नहीं मिलेगा तो इनका परिवार कैसे इधर, इनका परिवार कैसे चलेगा, इनका घर कैसे चलेगा, इनके बच्चों की पढ़ाई कैसे। ये दादाजी आप